मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और फाइनली आप हमारे घर में, मेरे घर में पहुँच ही गए हैं, तो प्लीज़ कम इनसाइड। मेरी ये छोटी सी, एक प्यारी सी, नन्ही सी जान यहाँ पे जो आपको स्वागत कर रही है बो करके, दूसरा वाला कहीं छुपा हुआ है। तो कम टू श्रीजिताज होम। कभी कभी मैं यहाँ बैठ के बुक्स पढ़ती हूँ, आई फील वेरी काम, लाइक एज अ स्मॉल लैम्प। देन कम्स टू द अवार्ड सेक्शंस, जो कि हाल ही में बिग बॉस के बाद कुछ ज़्यादा ही मिले हैं अवार्ड्स, एंड या इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि ये अवार्ड्स ऐसे सम्मान हैं जो हम पूरे साल भर जो मेहनत करते हैं, साल के अंत में जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि यस, दिस इज व्हाट यू हैव अचीव्ड। उसके बाद आते हैं मेरे परफ्यूम सिलेक्शन में, जहाँ पे कुछ कुछ परफ्यूम्स रखे हुए हैं, क्योंकि मैं हमेशा जब रेडी होके बेडरूम से निकलती हूँ परफ्यूम्स लगाना भूल जाती हूँ हमेशा। तो यहाँ से मैं परफ्यूम लगा के फिर मैं निकलती हूँ, क्योंकि परफ्यूम के नीचे ही है मेरे जूते के कलेक्शन फेवरेट। या ये वाला मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें नाइस फ्लोरल प्रिंट्स है, सो आई रियली लाइक देम। फिर फंक्शंस, अवार्ड्स वगैरह के लिए ये वाला मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इट्स ऑल ग्लिटरी गोल्डन एंड लाइक आई रियली लव देम, एंड द हील्स आर ऑल्सो वेरी वेरी हाई। वेरी फेवरेट सेक्शन ऑफ माइन, जहाँ पे माइकल के बहुत सारे फिल्म कलेक्शन है। ये सारे बहुत लोग अचानक से सोचते हैं कि दे आर कलेक्शन ऑफ बुक्स, बट इट्स नॉट बुक्स, इट्स फिल्म, और ये ऑल कलेक्शंस माइकल के हैं। उसको DVDs खरीदने का बहुत शौक था एक टाइम पे, और जितने भी उसने खरीदा इट्स कलेक्टेड हियर। तो या दैट्स ऑल्सो वेरी फेवरेट स्पॉट ऑफ माइन। तो बाहर निकलने से पहले ये सेक्शन का बहुत ज्यादा जरूरत है, बट घर में जो सेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत मुझे है वो है ये सेक्शन, दैट इज द काउच एरिया, जहाँ पे मेरा ज्यादातर वक्त बीतता है। व्हेन एवर आई एम होम शूट से वापस आने के बाद, जहाँ पे मैं रिलैक्स करती हूँ, इट्स राइट हियर, क्योंकि इसके सामने ही है टीवी, और मैं मूवीज़ देखना बहुत पसंद करती हूँ, शोज़ देखना, मूवीज़ देखना बहुत पसंद करती हूँ। सो यस, दिस सेक्शन इज़ द फेवरेट सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैं फुल ऑन रिलैक्स कर सकती हूँ, और मुझे यहाँ से बाहर का व्यू भी देखना अच्छा लगता है। चलो, बाहर के व्यू से याद आया है, लेट्स गो टू द बालकनी। व्यू से मुझे आप लोगों को बैल्कनी में लाना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज वी हैव अ लवली व्यू हियर एंड अ स्मॉल कोजी सिटिंग अरेंजमेंट। ऑनेस्टली मैं बैल्कनी में ज़्यादातर बैठती हूँ शाम के टाइम पे, एक कॉफ़ी का मग लेके या चाय की मग लेके, और इतनी शोर शराबा में भी मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है ये बालकनी में बैठ के, वो ट्रेन की जो आवाज़ आती है ना, वो मुझे स्कूल के छुट्टियों के टाइम की याद आ जाती है हमेशा। जब भी मैं ट्रेन की आवाज़ सुनती हूँ तो मुझे समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, स्कूल टाइम की याद आ जाती है, क्योंकि तभी हम वेट करते थे ट्रेन स्टेशन में कि कब ट्रेन आएगी और जल्दी से जाएंगे ग्रैंड माँ के घर पर। सो विद दैट साउंड आई रिलेट, आई फील वेरी नॉस्टैल्जिक, एंड आई ऑलवेज रिलेट टू माई समर टाइम और विंटर टाइम मेमोरीज, जब मैं ट्रेन की इंतज़ार करती थी ग्रैंड माँ के घर जाने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। सोफ़ा के बाद जो बहुत ज़्यादा टाइम मैं जहाँ पर बिताती हूँ, दैट इज़ माई किचन। कम
तो ये है मेरा किचन और जो सबसे फनी पार्ट है इज दिस इलेक्ट्रिक ओवन जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम. मैंने अभी तक गैस कनेक्शन नहीं लिया है. वी आर स्टिल डूइंग विद द इलेक्ट्रिक ओवन. देन कॉफी एंड दिस इज माई टी स्पॉट. दिस इज माई फेवरेट टी स्पॉट. तो चलिए मैं बनाती हूँ कॉफी, मिल्क कॉफी. फ्लेवर की कॉफी. बट इट्स एक्चुअली ओह माय गॉड, इट स्मेल्स सो गुड. इसी कॉफी की वजह से हम इतना लड़ते थे बिग बॉस के घर में कि मैं निकलने के बाद विद इन 15 दिन के अंदर शायद मैं 2 या 3 कैंस खत्म कर चुकी थी. दिन में, रात में, शाम में, सुबह में, हमेशा कॉफी 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 कि चलो कॉफी फाइनली मिल गया है श्रीजिता को और पीते जाओ कॉफी. अब किसी से लड़ना नहीं अपने हक के लिए. अब फाइनली चलते हैं मेरे बेडरूम में जहां पे मैं मेरे फेवरेट कपड़े दिखाऊंगी. तो लेट्स गो. As because spring चल रहा है और summer आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा glitter पहनने का मन कर रहा है. So this is my one of my most favorite dress. For summer and it's white. मुझे white dresses बहुत पसंद है. Next one is full glittery. ये वाला मेरा टॉप फेवरेट है. लाइक आई लव दिस ड्रेस. अगेन ग्लिटरी बिकॉज आई समहाउ लव शिमर एंड ग्लिटर. ये वाला मुझे पसंद है कलर के लिए. आई लव दिस कलर. दिस इज एब्सोल्यूटली अ समर ड्रेस और अ गोवा समर ड्रेस. ऐसे देख के लग रहा है कि ये ड्रेस पहना कैसे जाएगा. सो या मतलब आई लव दिस ड्रेस. देन द फिफ्थ वन इज अगेन लिटिल बिट ऑफ ग्लिटरी. सबसे अंत में ये रहा मेरा फेवरेट जैकेट और ये भी फुल ऑन फ्लैशी. तो ये था मेरा प्यार से भरा हुआ छोटा सा प्यारा सा घर. होपफुली फैंस को ये सेगमेंट अच्छा लगा हो. एंड थैंक यू सो मच टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर कमिंग टू माई हाउस. थैंक यू फॉर दिस लवली विजिट.